Kavyatri Dr. Renu Kavyas Neelam. इतिहास में स्त्री के साथ क्या ज्यादती हुई है उसको पेश करती हूँ आपके सामने। कि शांति के लिए बांट दी गई कभी गणमान्यों और वृद्धों को, शांति के लिए बांट दी गई कभी गणमान्यों और वृद्धों को, और कभी राजहित में परोसी गई शत्रुओं और मित्रों को। आपको लगाते चाहिए अंदाजा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कि शांति के लिए आम्रपाली याद कीजिए, द्रौपदी याद कीजिए, गांधारी याद कीजिए। कि शांति के लिए बांट दी गई कभी गणमान्यों और पुत्रों को, और कभी राजहित में परोसी गई शत्रुओं और मित्रों को। परंपराओं के लिए चला दी गई परंपराओं के लिए चला दी गई कभी, और कभी चढ़ा दी गई देवताओं के लिए मंदिर में, और कभी चढ़ा दी गई देवताओं के लिए मंदिर में, और विकल्प माना गया उसका मूर्तियों और चित्रों। भगवान राम ने तो सोने की सीता बनाकर ये भी कर दिया है ना। तो परंपराओं के लिए जला दी गई कभी, और कभी चढ़ा दी गई देवताओं के लिए मंदिर में विकल्प माना गया उसका मूर्ति और चित्रों को। कभी महलों से निकाल दी गई और कभी सोती की छोड़ दी गई, कभी महलों से निकाल दी गई और कभी सोती की छोड़ दी गई। और तब बाधा सी लगी वो सम्राटों और बुद्धों को, तब बाधा सी लगी वो सम्राटों और बुद्धों को। कभी दे दी गई दान में, और कभी लगा दी गई दान पर। कभी दे दी गई दान में माधवी, और कभी दे लगा दी गई दान पर करवट खुगाती रही वो वीरों और सिद्धों को, करवट खुगाती रही वह वीरों और सिद्धों को। युद्ध सारे लड़े गए उसी की छाती पर, युद्ध में कोई भी पक्ष जीते कोई भी हारे, और हमेशा हारती है, हमेशा हारती है, क्योंकि युद्ध में मरने वाला उसी का बेटा, उसका पति, उसका भाई, उसका पुत्र। तो युद्ध सारे लड़े गए उसी की छाती पर, और युद्ध लड़े गए सभी उसी की छाती पर। वही धरती संग हाथ लगी वहशियों और युद्धों, वही धरती संग हाथ लगी दर्शियों और विधाओं।